वेलकम टू द डेली करेंट अफेयर सेशन ऑफ प्लांट एकेडमी। सो इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट और सेकेंड जुलाई के इंपॉर्टेंट जीके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। द ग्रैंड स्लैम विम्बलडन टेनिस टूर्नामेंट 2019 विल बी हेल्ड फ्रॉम 2 to 15 July, 3 to 18 July, 1 to 14 July एंड 5 to 14 July। सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 1 to 14 July। तो ये ग्रैंड स्लैम विम्बलडन हेल्ड कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड कॉर्कवेट क्लब इन विम्बलडन, लंदन UK, लंदन UK में हो रहा है। सो 2018 में कौन जीता था इसको? तो 2018 में मेन सिंगल चैम्पियन बने थे नोवाक जोकोविक, जो कि एक टेनिस साइबेरियन टेनिस प्लेयर थे, और एंजेलिक केरबर, जो कि 2018 वुमेन्स सिंगल चैम्पियनशिप जीत चुकी है, और ये जर्मनी टेनिस प्लेयर है। सो क्वेश्चन नंबर टू, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन अंडर 19 एशियन स्क्वैश टाइटल 2019? ए यश फाड़े, वीर चोटरानी, रवि दीक्षित और वेला सेंथिल कुमार। सो द राइट आंसर इज वीर चोटरानी। इन्होंने अंडर 19 एशियन स्क्वैश टाइटल 2019 जीता है, और ये हुआ था मकाओ चाइना में। इट वॉज हेल्ड इन मकाओ चाइना। चाइना की बात करें तो हुई से प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, सो जी जिनपिंग इज द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। सो इस टूर्नामेंट में टोटल इंडिया ने 1 gold, 3 silver और बहुत सारे ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो ये है वीर चोटरानी, जिन्होंने ये टाइटल जीता है। सो क्वेश्चन थर्ड, GST डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 July, 1 July, 30 June और 5th July। सो द राइट आंसर ये इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1 July। पहले तो GST का फुल फॉर्म क्या है? तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, GST स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इस ईयर GST का सेकेंड एनिवर्सरी था। क्यों? क्योंकि ये इम्प्लीमेंट किया गया था 1 July 2018 को, तो ये सेकेंड एनिवर्सरी था इसका। और ये इस ईयर जो ये इवेंट सेलिब्रेट हुआ वो विशाखापट्टनम के GST ऑफिस में सेलिब्रेट किया गया। एंड करेंटली हु इज़ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? निर्मला सीतारमन। ओके, सीतारमन, शी इज़ द फाइनेंस मिनिस्टर। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे सेलिब्रेटेड ऑन 25 June, 28 June, 1 July एंड 38 June। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 38 June को सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे, क्योंकि इस दिन एनिवर्सरी मनाया जाता है साइबेरियन तंगस्का इवेंट का, जो कि 30 June 1908 को हुआ था। और ये अभी तक के हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा हार्मफुल एस्ट्रॉयड रिलेटेड इवेंट है, इसीलिए 30 June को इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रिसेंटली FSSAI FSSAI हैज़ डायरेक्टेड फूड कंपनीज टू लेबल हाई फैट शुगर एंड सॉल्ट कंटेंट्स इन द फ्रंट ऑफ द पैकेज इटसेल्फ इन विच ऑफ द फॉलोइंग कलर? ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो FSSAI है क्या? FSSAI stands for Food Safety and Standards Authority of India and it formed in August 2011। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में, और इसके 6 रीजनल हेड ऑफिस हैं, दिल्ली में, मुंबई, गुवाहाटी, कोलकाता, कोचिन एंड चेन्नई। इसके चेयरपर्सन कौन है FSSAI के? तो वो है रीता त्योशिया, शी इज़ द चेयरपर्सन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी CEO है इसके, पवन कुमार अग्रवाल। तो कंपनी को जो भी पैकेट फूड बनाती है, पैक्ड फूड, उन सारे को उसमें उस फूड में कितने कैलोरीज हैं, सैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट, शुगर, ये सारे कितने हैं, उसके कॉम्पोजिशन भी पैकेट पे लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि जो कंज्यूमर उसको ख़रीद रहे हैं वो उसको पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या कॉम्पोजिशन है, और तब वो अपने फूड के चॉइसेस बना सकें कि उनको लेना है, क्या खाना है, नहीं खाना है, इसलिए ये किया गया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च फ्री क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम फॉर फार्मर्स? राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड।
So option C is the right answer. That is West Bengal. And crop insurance scheme is in collaboration with the Agriculture Insurance Company of India. AIC, Agriculture Insurance Company of India. तो बंगाल की बात करें देन गवर्नर इज़ केसरीनाथ बैनर्जी एंड चीफ जस्टिस ऑफ CHC दैट इज कैलकटा हाई कोर्ट. CHC इज़ कैलकटा हाई कोर्ट. तो उसके चीफ जस्टिस कौन है? तो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस राधा कृष्णन और CM चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल इज़ ममता बैनर्जी. क्वेश्चन नंबर 7, what is the name of recently launched app by BACS Yamuna Power Limited? Saving, Sasthom, Elec app or Elec home? So the right answer is option number B, Sasthom. And BACS stands for Bombay Suburban Electric Supply. Okay, तो ये app जो है ये बहुत सारे private companies के साथ partnered करके launch किया है, behavioral energy saving app to cut down electricity consumption. और ये काम कैसे करेगा ऐप? तो ये consumers energy को track करेगा, उसके patterns को analyze करेगा and then it will compare with those of similar homes in the vicinity and show energy saving potential. And if consumption is higher then it will also provide customized solutions. Okay, so question number 8, who is the new managing director of National Housing Bank? Sarda Kumar Hota, Ashwani Tripathi, Sriram Kalyanaram and D.S. Garg. So the right answer is option number A, Sharda Kumar Hota. Okay, और जो option C है that is Sriram Kalyanaram, ये हमारे ex-managing director हैं NHC के, ये 2018 में resign कर चुके हैं. ठीक है, तो NHC है क्या? National Housing Bank, it is Government of India own entity and it is founded in 9th of July 1988. Its headquarter is Delhi, New Delhi. So, its purpose kya hai? It has been established with an objective to operate as a principal agency to promote housing finance institution both at local and regional level and it also supports incidental to such institution. ओके, तो ये है शारदा कुमार होटा जो कि प्रेजेंटली मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और ये है श्रीराम कल्याणम जो कि एक्स मैनेजिंग डायरेक्टर थे और उन्होंने रिज़ाइन किया है 2018 में. सो रिसेंटली श्याम सुंदर मित्रा पासेज अवे एंड ही बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट्स? बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ क्रिकेट. और ये बंगाल से बिलोंग करते थे और ये 82 ईयर्स एज के थे एंड ही वॉज कन्फर्ड द कार्तिक बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाई कैप. कैप स्टैंड्स फॉर क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द करेंट डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो? राजीव जैन, अनिल दशमाना, सामंत कुमार गोयल एंड और डी अरविंद कुमार. सो राइट आंसर इज अरविंद कुमार. अरविंद कुमार को करेंटली न्यू डायरेक्टर चूज़ किया गया है ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो. ओके, सो ही इज़ अरविंद कुमार जो कि डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ ब्यूरो हैं और ये सामंत कुमार गोयल जिन्हें रिसेंटली डायरेक्टर ऑफ रॉ चुना गया है एंड रॉ स्टैंड्स फॉर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग. ठीक है, ये है कृष्ण स्वामी नटराजन, ये है डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड. ठीक है, इंडिया एंड विच कंट्री हैव $50 billion टारगेट फॉर बायलैटरल ट्रेड ओवर द नेक्स्ट 6 years? दैट इज स्टिल 2025. इंडोनेशिया, थाईलैंड, ब्राज़ील और म्यांमार. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया. सो अगर इंडोनेशिया की बात करें तो हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया? दैट इज़ जोको विडोडो, ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया. एंड वॉट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया? तो वो है जकार्ता. तो जकार्ता अभी कैपिटल है पर वो शायद चेंज होने वाला है क्योंकि जकार्ता इट इज़ अ विक्टिम ऑफ क्लाइमेट चेंज और उसके 95% जो नॉर्थ जकार्ता है वो समर्ज हो जाएगा पानी में. दैट्स वाई जकार्ता इज टू बी चेंज. और ये जकार्ता इंडोनेशिया का फ्लैग और उसके नेशनल एम्बलम है. सो वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल एशिया टाइटल 2019? फैबटेक सिंह मानस्क, बी विकास यादव, सी वैभव यादव. हियर इज वैभव यादव. ओके, इट इज वैभव यादव एंड डी कृष्णा कुमार. सो द राइट आंसर इज वैभव यादव. ओके,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. Koenix, which has recently terminated its operation, was a largest cryptocurrency exchange of which country? A. Japan, B. India, South Africa, and D. Indonesia. So the right answer is option number B, India. Koenix जो है इंडिया की largest cryptocurrency company थी and it was founded in August 2017. और 14 मंथ्स के अनसर्टेनिटी और डिस्ट्रप्शन की वजह से कोइनेक्स के जो को फाउंडर हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि वो इस कंपनी को अब बंद कर देंगे. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ क्वेश्चन नंबर 14. रिसेंटली लॉन्च पृथ्वी 2 मिसाइल हैज़ अ स्ट्राइक रेंज ऑफ 220 किलोमीटर, 250 किलोमीटर्स, 350 किलोमीटर्स एंड 400 किलोमीटर्स. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 350 किलोमीटर्स. तो ये फर्स्ट इंडक्टेड इंडिजिनस सरफेस टू सरफेस स्ट्रैटेजिक मिसाइल है एंड इट वॉज डेवलप्ड बाई DRDO. सो DRDO स्टैंड फॉर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज़ 8.5 मीटर लॉन्ग. ओके, और इस मिसाइल का जो टेस्ट हुआ है वो हुआ है ओडिशा कोस्ट पे. ओके, सो आज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम विल बी अवेलेबल अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम 2019, 2021, 2020 and 2022. तो सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 2020 से वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा. ठीक है, और इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि जो पुअर माइग्रेंट्स वर्कर्स होते हैं दे विल आल्सो बी एबल टू बाय सब्सिडाइज राइस एंड वीट फ्रॉम एनी राशन शॉप इन द कंट्री एंड करंटली आवर फूड मिनिस्टर इज रामविलास पासवान इज आवर प्रेजेंटली फूड मिनिस्टर. सो ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था. हम लोग कल फिर GK पे डिस्कस करेंगे. सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो then do like, subscribe, share and comment. Thank you for watching.